आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं हूं निशांत गौतम। इसमें हम सयामीर थाने पर ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं आजमगढ़ जिले के सयामीर थाने पर हम खड़े हैं। और दोस्तों बता दें कि एक प्रश्न उठता है, ये सिविलियंस के मन में भी प्रश्न उठता है कि आखिर जुर्म बढ़ता क्यों है। तो इन सारी बातों को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि लोग परेशान हैं। और जब कोई जुर्म होता है, कोई घटना होती है, तो उस घटना प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से प्रशासन उससे काम करता है। दोस्तों अभी हम थाने सरायमीर पे खड़े हैं और यहाँ पर हम बता दें कि एक दिन पहले ही आज 24 अप्रैल है और 23 अप्रैल को इमाम अली बेलहरी में एक घटना होती है। कुछ लोग जो है सैलून की दुकान पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, सैलून का जो ओनर है आलोक रंजन उसको मारते हैं, पीटते हैं और कुछ पैसे भी इधर उधर कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो है तमाम जो हैं जो इस तरह से हुई हैं, एप्लीकेशन दिया गया है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10 बजे से लोग यहाँ पे, हम बता दें कि इतना ज़बरदस्त तापमान है, धूप में पेड़ों की छाँव में लोग खड़े हैं और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बुलाया गया थाने के अंदर, थाने के अंदर बताया गया है कि हम आपकी आपका एप्लीकेशन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। 10 बजे से लोग खड़े थे, कुछ हरकत पुलिस विभाग किया है, उसके बाद से एप्लीकेशन रख कर कह दिया गया कि हम एप्लीकेशन को इस तरह से नहीं मानेंगे, आप ऊपर से लिख के ले आइए। जबकि यहाँ पर जो है बता रहे हैं लोग कि बाजार में जहाँ घटना हुई है उस घटना स्थल पर ही SI अखिलेश यादव जो है वहाँ पर तफ्तीश करने गए थे। तो क्या समझा जाए, क्या बातें हो रही हैं, किस तरह से आजमगढ़ का ये जो जिला है, आजमगढ़ का जिला है और जिले में जो थाना सरायमीर है, किस तरह से लोग यहाँ पर, किस तरह से विभाग काम कर रहा है, पुलिस का विभाग प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, बड़ी शोचनीय विषय है। अभी हमारे पत्रकार ने जब फ़ोन किया है अशोक साहब को, उन्होंने बात भी नहीं किया और फ़ोन काट दिए हैं। उसके बाद बुलाया गया है, शायद इसीलिए बुलाया गया है कि पत्रकार का फ़ोन आया है। तो ये सारी बातें जो है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन जो है किस तरह से ढीलबाजी कर रहा है, किस तरह से लोग जो पीड़ित है उसको भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं हम करेंगे ही नहीं। तो हमारी बात होगी कि पीड़िता से ही किस तरह से क्या मामला था, आइए हम ले चलते हैं आपको। लोग खड़े हैं यहाँ पर और सीधा हम बात करेंगे, आलोक नाम है, आलोक जी से ही बात करेंगे। तो क्या मामला हुआ था आलोक जी, आपके दुकान पर क्या, किस तरह से घटना हुई थी? अरे मामला जो है 2:30 बजे करीब 2:30 दिन कल का है और 23 तारीख का है। क्या हुआ था वहाँ पे? ये हुआ कि बस जो है 2-3 बसें आके खड़ी हो गई और जो साइड में हमारी की जो है दुकान है सैलून की, वहाँ पे जो है दो लोग बस से उतरे और जो बाइक को हटाने लगे, बाइक को सीधा हमारी दुकान में टके। हमने उसका विरोध किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसी पे जो है गाली गलौज कर दी। हमने कहा गाली क्यों दे रहे हैं, इसी पे हमारा कलर पकड़ के बैनर ओनर पे टूट गया, हम मारने लगे जो है। और झंडा उंडा फटने का भी आपने एप्लीकेशन में जी हमने वहाँ अपने दुकान पे बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है और वो फोटो को रौंद के जो है पैरों से रौंद के और चमार चार के गाली दे के। अच्छा, आपने उसमें जिक्र हुआ है कि 10 से 15 लोग थे जहाँ तक हमको सूचना है, एप्लीकेशन में देखा है, तो कैसे एकाएक गुजरे की एक एक करके आए, कैसे? पहले 2-3 लोग बाइक वोट अकेले अंदर, जब गाली गलौज होने लगा 10-15 लोग उतर गए बस से और जो है कोई दुकान में घुस गया, कोई मारने लगा जो है। तो कुछ पैसा वैसा भी अब वहाँ से जी हमारे गले से जो है पैसा लगभग 5,000 तो आपने एप्लीकेशन दिया है, थाने में थे आप लोग, तो क्या हुआ है वहाँ पे, बुलाए हैं आप लोगों को? जी सुबह हमको 10 बजे से बुलाया गया। अच्छा, इतनी कड़ी धूप में 10 बजे से बुलाया गया है, अभी तक क्या हुआ है आप लोग थाने में? कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जब भी हम लोग जा रहे हैं कह रहे हैं कि जो है आपने एप्लीकेशन दिया हुआ, ये चीज मान्य नहीं है और अभी तक हमारा कोई प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं रही। हम लोग यहीं से बात क्या कह रहे हैं, अभी हमने सुना कि कोई SI थे या कोई कांस्टेबल थे, उन्होंने कहा कि आप ऊपर से लिखवा के ले आइए, क्या है कैसे? जी वो बोल रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, आप जाइए जो है यहाँ, सीधा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे हम, जाइए सब। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सरायमीर थाना में इस तरह से अगर पीड़ित व्यक्ति है, सामने से अगर कोई बातें सामने आ रही हैं तो उस पर कार्रवाई किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्या मामला बनना चाहिए प्रशासनिक प्रशासन। एक बार हमारी बात हुई थी यहाँ के SSP महोदय थे, उन्होंने कहा था बखरा में बहुत बड़ी घटना हो गई थी और मारपीट का मामला हुआ था, जो हमने प्रश्न किया कि ये घटना क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रशासनिक लोगों पर विश्वास कम है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि इस तरह से अगर घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासनिक अमले पर विश्वास किस तरह से उठ रहा है, हमारा प्रश्न भी था।
तो हमारा वहाँ पे जिस तरह से घटना हुई थी हमने किया भी था। तो इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि वाकई में उन्होंने जो कहा था कि प्रशासनिक मामले पर प्रशासनिक अमले पे कुछ विश्वास कम हो रहा है, तो वाकई में ऐसी घटनाएं हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं आगे क्या होता है, ऐसे साथ हमारी बात होती है, क्या प्रक्रिया होती है, FIR होता है कि नहीं होता है, ये और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हम बताएं हमारे विजिट पेज पर विजिट करें, हमारे सोशल मीडिया पर देखने के लिए अपने पेसी लैपटॉप इंस्टाग्राम फेसबुक पर टाइप करें www.kmasin.com। अपने सहयोगी के साथ विनोद कुमार के साथ मैं निशांत गौतम, के मासिन न्यूज आजमगढ़।